हूँ। तो कैसे हैं आप सर? पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। अब हम लोग क्या करें, किसी एंगल में उसे फेंकेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 90 डिग्री। देखिए यहां पे क्या कर रहे थे हमेशा, अब हम लोग यहां पे क्या कर रहे थे बच्चों, ये समझो, यहां पे हम लोग जो मोशन करवा रहे थे चार्ज, वो क्या कर रहा था, 90 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा था। यहां पे वी है और अंदर क्या था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड था। तो वो क्या कर रहा था, 90 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा था। ये क्या था हमारा, सेकेंड केस था, केस सेकेंड था। और जो पहला केस था वो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा था, ठीक है। तो इसका तो जीरो ही आ रहा था, हाँ कि ना, मतलब जो पाथ आ रही थी वो लीनियर आएगी इसकी, और इसकी क्या आएगी, जो आपने देखा था यहाँ पे सर्किल आ रहा था, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे क्या हुआ है, ठीक है, इसको भी रब कर दे रहा हूं, ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था, हाँ कि ना। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ कि ना, अब इसमें ना ही हम क्या करेंगे पैरेलल और ना ही परपेंडिकुलर, हम लोग क्या करेंगे इसे कुछ थीटा एंगल पे रोटेट कर, रोटेट नहीं, मूव करवाएंगे, क्या करेंगे, मूव करवाएंगे विद वेलोसिटी वी। हमने वेलोसिटी वी से इसे मूव करवाया इस डायरेक्शन में विद एंगल सब कुछ थीटा लिया है मैंने। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, डायरेक्शन है, हाँ कि ना, ये क्या कर दिया मैंने, ये था हमारी क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ कि ना। अब इसके बीच में थीटा एंगल बन रहा है। अब क्या होगा, इस ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो हम लोग इसका कंपोनेंट निकालेंगे कि ये इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है और पैरेलल कंपोनेंट विद विद मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो हमें पता है जो जहां पे थीटा होता है वो क्या आ जाता है, वी कॉस थीटा आ जाता है, और ये क्या रहा है, पैरेलल विद पैरेलल, हाँ कि ना। तो हम लोग मानेंगे क्या कि जो वी आ रहा है ये वी पैरेलल है, हाँ कि ना। अब परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा बच्चों, ये बताओ आप, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये वी परपेंडिकुलर मान लेते हैं, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगा बताओ, वी साइन थीटा, हाँ कि ना। इतना समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया, हाँ कि ना। अब देखिए यहां पर क्या होगा, क्या बनेगा, क्या पाथ क्या बनेगा, ठीक है, एंगल थीटा, कुछ थीटा एंगल से अगर हम लोग इसे मूव करवाते हैं विद क्या करते हैं, कुछ वेलोसिटी देके मूव करवाते हैं, तब क्या बनेगा। परपेंडिकुलर से हमने पढ़ा है कि ये क्या करेगा, कुछ सर्किल बनाएगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो सर्किल बनाया। अब हमने ये भी पढ़ा है क्या कि पैरेलल जो होगा, पैरेलल क्या करेगा, लीनियर मोशन करवाएगा, हाँ कि ना। तो ये जो सर्किल है वो कुछ समय बाद क्या होगी, ये यहां पर भी आ जाएगी, फिर क्या करेगी ये सर्किल कुछ यहां पे आ जाएगी, फिर ये क्या करेगी यहां पे आएगी, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी पॉइंट से सी पॉइंट, सी पॉइंट से डी पॉइंट, ऐसे ऐसे सर्किल मूव कर रहा है, हाँ कि ना। तो अब जब ऐसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर से सर्किल बना रहा है और पैरेलल से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो सोचिए बच्चा कैसे बनेगी, जो पाथ बनेगी कुछ बच्चा ऐसे बनेगी, यू 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 बनेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस पाथ को कहते हैं क्या, देखिए यहां पे मैंने लिखा है हेलिकल पाथ, क्या कहते हैं इसे, हेलिकल पाथ फॉर्म करेगी जब क्या इसे एंगल थीटा से मूव करवाया जाएगा, समझ में आया कि नहीं, विद वेलोसिटी वी, समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में। तो ये होता है हमारा क्या, मोशन होता है इस तरह। अब इनका हम लोग देखेंगे कि इसमें रेडियस क्या होती है, ठीक है, इससे जो क्वेश्चन आता है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है, एक चक्कर का। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने इतना समझ लिया है कि जो v पैरेलल v cos थीटा है, तो ये क्या होगा, चेंज किसमें, चेंज विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, चार्ज क्या होगा, चेंज नहीं, चार्ज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, हाँ कि ना। और जो परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको रोटेट करवाएगा, ऐसे ऐसे घुमाएगा, चक्कर लगवाएगा, मतलब सर्किल बनवाएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इन दोनों का हमें समझ में आएगा, जब ये दोनों साथ में लग रहे हैं, जब ये दोनों साथ में लग रहे हैं यहां पे कि एक मूव करवा रहा है और एक सर्किल बनवा रहा है, तो ये हेलिप्टिकल पाथ फॉर्म करेगा, क्या करेगा, हेलिप्टिकल पाथ फॉर्म करेगा, दोनों मैंने दिखाया आपको। अब इससे क्या होगा, इससे जो रेडियस बन रही होगी वो क्या होगा, रेडियस किसकी वजह से बन रही है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी के, हाँ, और यहां पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या है, वी कॉस थीटा। तो यहीं पे हमने देखा था कि यहां पे आर क्या था, आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी था, हाँ, तो आर इज इक्वल्स टू एम वी, वी परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर क्या है, वी साइन थीटा, तो ये लिख दिया। तो यहां पर हमें आर की वैल्यू मिल गई, क्या आर की वैल्यू हमें यहां पर मिल गई, एक किसमें, हेलिप्टिकल पाथ में,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर, हाँ गे ना, क्यू वी। तो ये आ गया हमारे, अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि एक चक्कर लगाने पे कितना टाइम लिया है, कितना टाइम लिया, तो हम देख सकते हैं यहां पे वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है टाइम, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, समझ में आएगी नहीं, ये इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ कि अगर आप क्या करते किसी चार्ज को 100 किलोमीटर पर आवर से फेंकते, ठीक है, तो उसमें जो टाइम लगेगा, ठीक है, और एक को 20 किलोमीटर पर आवर से फेंकते हैं, ठीक है, एक आइडिया दे रहे हैं, ठीक, ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, बहुत तेज से मैं बता रहा हूं आपको, एक सिंपल सा एग्जांपल लेना, तो क्या होगा दोनों में जो टाइम लगेगा वो सेम लगेगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, समझ में आएगा ना, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहे, ठीक है, बट हां इस पे पर रेडियस किस पे, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, जितनी तेज आप फेंकेंगे उतना बड़ा रेडियस फॉर्म होगा, उतना बड़ा रेडियस फॉर्म होगा, हाँ कि ना, उतना बड़ा सर्कल फॉर्म होगा, हाँ कि ना, और जितने छो धीरे से फेंकेंगे तो धीरा रेडियस होगा, पर टाइम सेम लगेगा, ठीक है, अगर चार्ज सेम है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना बच्चों। अब हम लोग टाइम को देखते हैं, टाइम में क्या हो रहा है, टाइम पीरियड इज ऑल्सो हमें पता है 2π m/3 होता है, वही चीज यहां पे भी लगेगा एक चक्कर कंप्लीट करने में, इसका प्रूफ हम दिखाते हैं, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस क्या है 2πr, हाँ सर्किल का पैरामीटर, और यहां पे जो स्पीड हो रही है, स्पीड किसकी वजह से लग रही है, यहां पे जो टाइम है परपेंडिकुलर स्पीड हम लोग ले लेते हैं, हाँ कि ना, वी साइन थीटा, v sin थीटा यहां पे रखा, r की वैल्यू झट से रख दी, r की वैल्यू यहां पे दी, सट से यहां पे रखा, सट से काटा, कच कच कच, यहां पे आ गया 2πm/3, समझ में आ गया। अब देखते हैं यहां पे, ये तो हो गया हमारा क्या, सर्कल सर्किल की बात, अब जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है उससे क्या आता है क्वेश्चन कि फाइंड पिच, पिच फाइंड करिए, पिच क्या होती है बच्चा, ये देखना, ये कुछ लग रहा है लड्डू जैसा लग रहा है कुछ, इनके और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है पिच, PITCH, क्या होता है पिच होता है, पिच क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है उसे पिच कहते हैं, ठीक है, तो देखिए यहां पे डिस्टेंस कह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज ऑल्सो स्पीड इनटू टाइम, हां कि ना, ऑब्वियस बात हम पढ़े, तो स्पीड क्या है, पैरेलल स्पीड लेंगे, हां कि ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्पीड लिया इनटू टाइम, टाइम जितना लग रहा था, यहां पे क्या है हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी, इस स्पीड कितनी है v cos थीटा, टाइम कितना है t, टाइम कितना लग रहा है बताइए, टाइम जो होगा यहां से यहां तक जो होगा हमारा वो हम सीधा लिख देंगे, यहां पे जो टाइम बता रहा होगा वो लिख देंगे, समझ में आ रहा, तो यहां पे पिच हमारी क्या जाएगी, पिच इज इक्वल्स टू v cos थीटा इनटू t, इतना होता है हमारा सिर्फ क्या एट एनी एंगल। यहां पे एक चीज फिर से मैं बता देना चाहता हूं, जो रेडियस है, रेडियस डिपेंड कर रही है स्पीड पे, जितनी तेज स्पीड आप फेंकेंगे उतना बड़ा सर्किल बनेगा, बड़ा छोटा सर्किल बनेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, समय क्या रहेगा सेम लगेगा, आपने एक को 100 से फेंका, एक को आपने 10 से फेंका, तो दोनों में जो टाइम पीरियड लग रहा होगा वो सेम लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, समझ में आ रहा है, एक बड़ा सर्किल बना रहा है उसमें भी 10 मिनट लग रहा है, ठीक है, और एक छोटे से सर्किल बना रहा है उसमें भी 10 मिनट लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, इसे अच्छे से नोट करिए अब अच्छे से आप।